लेसा, ये अब ख्वाब ही रहेगा या फिर ये भी हकीकत बन जाएगी कि मैं था होंडा ही लेसा। नाजरीन, ये मोटरसाइकिल एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 से 60 किलोमीटर तक फी लीटर खर्च करती है, जिसकी वजह से शहरी इसको लेना पसंद करते हैं। CD70 अपनी फ्यूल एवरेज के बाईस हमेशा से सारिफिन की पहली तरजीह रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WM न्यूज़ हब और मैं हूं आपकी मेजबान बिस्मा कदीर। मैं था होंडा ही लेसा, ये अब ख्वाब ही रहेगा या फिर ये भी हकीकत बन जाएगी कि मैं था होंडा ही लेसा। होंडा CD70 हमेशा से अपनी फ्यूल एवरेज के बाईस सारिफिन की पहली तरजीह रही है। हर आदमी चाहता है कि अगर वो बाइक का इंतखाब करे तो होंडा ही ले, क्योंकि होंडा जो है वो कम फ्यूल कंज्यूम करती है। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूं तो जहां पर बात करें होंडा CD70 की, उसी के साथ साथ होंडा की एक और मॉडल जिसको होंडा CD70 ड्रीम के नाम से भी जाना जाता है, वो भी बहुत कम फ्यूल लेती है। और मजीद अगर मैं आपको बताती चलूं तो होंडा की कीमतें आसमानों को छूती हुई नजर आ रही हैं। यही वो बाइक्स हैं जो आपको आज से 4 साल पहले 60-70 हज़ार में मिल रही थी, अब यही बाइक्स की कीमतें जो हैं आसमान को छूती हुई नजर आ रही हैं। और अब एक आम आदमी जो है वो ये बाइक लेने से कासिर होता नजर आ रहा है। नाजरीन, ये मोटरसाइकिल एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 से 60 किलोमीटर तक फी लीटर खर्च करती है, जिसकी वजह से शहरी इसको लेना पसंद करते हैं। उसी के साथ साथ इसकी मजीद अच्छी बात ये है, इसकी खसूसियत ये है कि इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल ही कामयानी ना होने के बराबर होती है। शहरियों की डिमांड होती है अगर वो बाइक का इंतखाब करें तो वो होंडा ही लें, और यही बात है कि कहना चाहूंगी कि मैं था होंडा ही लेसा। मगर इसकी कीमतों को देखते हुए आज का शहरी परेशान है कि वो इतने मुश्किल हालात में, इतनी महंगाई के दौर में अपनी सवारी किस तरह परचेज करे। होंडा CD70 के साथ साथ एक और नया मॉडल भी होंडा CD70 ड्रीम आ चुका है, जो कि होंडा CD70 से बनिस्बत काफ़ी अच्छा माना जाता है, और उसकी भी तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर फी औसतन फी लीटर खर्च करता है। शहरियों का मानना है कि होंडा CD70 ड्रीम बहुत अच्छा मॉडल है और कीमत जो है वो इसकी थोड़ी महंगी हो रही है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो उसको खरीद नहीं सकते। जी तो नाज़रीन, आइए इनके ऑनर के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कितनी किस्म की बाइक्स मौजूद हैं। जी तो दोस्तों, हमारे साथ रहमान खलील कॉर्पोरेशन के ऑनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर कितने इकसाम की वैरायटीज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं WM शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है। तो हमारे पास होंडा के तमाम मॉडल्स मौजूद हैं, होंडा CD70, 125 ड्रीम्स वगैरह, 150 तक हमारे पास होंडा के तमाम मॉडल मौजूद हैं। कस्टमर की ज़्यादा डिमांड क्या है, वो होंडा CD70 लेना पसंद करता है, ड्रीम लेना पसंद करता है या 125 लेना पसंद करता है? देखिए जी, होंडा में जो सबसे पहले देखा जाता है कि जिस चीज़ की रीसेल वैल्यू अच्छी हो, जो मुल्क की हालात जा रहे हैं, तो इसमें जो अच्छा बाइक आता है उसमें 70, 125 राइडर, ये बाइक्स जो है ये ज़्यादा यूजेबल हैं, जो ज़्यादा मार्केट वैल्यू जिनकी जा रही है। और अगर मैं बात करूँ इसकी फ्यूल की, तो होंडा जो है बाकी कंपनीज के साथ, या अगर हम यूनाइटेड की बात कर लें या दूसरी बाइक्स की बात कर लें, तो होंडा जो है उसके मुकाबले में तो बहुत अच्छा है कि कम प्राइस में फ्यूल जो है वो कंज्यूम करता है। जी देखें जी, होंडा की सबसे कामयाब तरीन जो पॉलिसी है, जो सबसे कामयाब कह सकते हैं कि होंडा जो है, इसी वजह से जो 70 की फ्यूल एवरेज है 55 to 60 है, 125 45 to 50 फ्यूल एवरेज है, और सबसे अच्छी जो फ्यूल एवरेज जो फैमिली बाइक है वो है प्राइडर 100 cc, वो 55 to 60 उसकी फ्यूल माइलेज है, और जिसकी वजह से ये कामयाब तरीन है। बाकी बाइक्स की हवाले से बात किया जाए तो उनकी एवरेज इससे कम है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम देखें तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है कि जो आम आदमी है वो बाइक भी नहीं ले सकता, या इतने पैसे नहीं होते कि वो एट अ टाइम में पूरे पैसे दे के बाइक परचेज कर ले। क्या आप इंस्टॉलमेंट्स में भी बाइक देते हैं? जी बिल्कुल, उसका हल तो यही है कि अगर जो आदमी नहीं ले सकता कैश पे, तो उसके लिए इंस्टॉलमेंट का एक तरीके कार जो सबसे बेस्ट जो आज के दौर में जा रहा है कि गरीब आदमी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके। देखिए जी, गरीब आदमी अगर अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता तो ये हमारे मुल्क के लिए भी ना तो ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि लोग गलत राह की तरफ चले जाते हैं और मामलात की तरफ चले जाते हैं। तो इंस्टॉलमेंट का जो तरीक़ेकार है वो सबसे बेस्ट है, और इंस्टॉलमेंट में जिस तरह कस्टमर चाहता है तो उस हवाले से हम उसको शेड्यूल बना देते हैं। तो क्या प्रॉफिट मार्जिन इंस्टॉलमेंट में आपका ज़्यादा है या कम है बाकियों की नस्बत? देखिए जी, प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो जिस तरह आजकल कंपटीशन जा रहा है, तो उस हवाले से हमारा प्रॉफिट रेशो जो चल रहा है वो सबसे कम है,
यानी कि मार्केट में रीजनेबल प्राइस के साथ हमारा प्रॉफिट रेशियो है, ताकि कस्टमर इजीली परचेज कर सके और अपनी ख्वाहिशात को अंजाम दे सके। सर, इसी के साथ अगर आप मुझे बता दें कि आपकी शॉप का नेम और लोकेशन क्या है, ताकि हमारे देखने वाले अगर परचेज करना चाहें, उसी के साथ आप हमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिएगा, ताकि नीचे दिए गए नंबर से आप इजीली रब्ता करके घर बैठे भी बाइक जो है वो परचेज कर सकते हैं। जी, जो मेरी लोकेशन है, अगर आप दौलत गेट की तरफ से आते हैं तो लेफ्ट साइड पे दौलत गेट मेट्रो स्टेशन के साथ मेरा शोरूम है रहमान खलील कॉर्पोरेशन के नाम से। अगर आप फिश मार्केट की तरफ से आते हैं तो राइट साइड पे आता है रहमान खलील कॉर्पोरेशन नज मेट्रो स्टेशन नंबर 11, और कॉन्टैक्ट नंबर जो है 03017911999, 03004007100। इसके अलावा क्या आपके कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई चैनल्स हैं जहां से कस्टमर जो है वो देख सकता है, प्राइसेस देख सकता है, बाइक्स देख सकता है, मॉडल्स देख सकता है? जी बिल्कुल, मेरा रहमान खलील कॉर्पोरेशन के नाम से फेसबुक अकाउंट भी है। अगर आप लोकेशन देखना चाहें तो गूगल पे भी आप सर्च करेंगे रहमान खलील कॉर्पोरेशन तो आपको इजीली लोकेशन मेरी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर। जी तो दोस्तों, अगर आप मुनासिब कीमत में एक अच्छी बाइक लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा रहमान खलील कॉर्पोरेशन पर, और जिसकी लोकेशन है दौलत गेट नज़्द मेट्रो स्टेशन नंबर 11। इसी के साथ अपनी मेजबान बिस्मा कदीर को इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।